हाँ जी, गुड इवनिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो भी होती हैं उनकी आज के टाइम पर टैक्सेशन कैसी है, कैसे करी जाती है, और जैसे भी करी जाती है वैसे क्यों करी जाती है। एक एक छोटे से छोटा पॉइंट जो भी सेक्शन के अंदर डाला गया है बहुत डिटेल में समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे। और समझने के लिए हम करेंगे क्या, मैं आपको वही एक प्रैक्टिकल केस स्टडी बताऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि इंडिया के जो बहुत अमीर लोग हैं वो पहले टैक्स प्लानिंग कैसे करा करते थे, जिसको आज के टाइम पर रोक लिया गया है टैक्सेशन सिस्टम को हल्का सा इवॉल्व करके। तो सारी चीज़ें समझना शुरू करते हैं। पहले दिमाग में अपना डाल लीजिए कि हम कौन से लोगों की यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्या हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि हज़ारों लाखों करोड़ों में पैसे कमा रहे हैं? नहीं, जो भी लाखों करोड़ों में पैसे कमा रहे होते हैं वो इन तरीकों से टैक्स नहीं बचाते, ये बहुत छोटे तरीके हैं। वो टैक्स हेवन के अंदर अपनी इनकम को मूव करके वहाँ पर टैक्स बचाते हैं ताकि इंडिया में टैक्स नहीं पे करना पड़े। और इन तरीकों की हमने क्लास के अंदर बात कर रखी है जो वो वाले लोग यूज़ करते हैं। आप मिडिल क्लास की, लोअर क्लास की बात करेंगे तो वो इतना पैसा कमाते ही नहीं है कि वो इन तरीकों से टैक्स बचाने की कोशिश पहले भी कर रहे हो, तो उनको भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला जो प्रोविजन है जो कि चेंज होने के बाद आज के टाइम पे अप्लाई करा जा रहा है, ये पहले यूज़ करा जाता था उन लोगों के द्वारा जो कि आप कह सकते हैं 10 करोड़, 100 करोड़ इतने पैसे कमा रहे थे, और इतने पैसे कमाने के बाद इन टूल्स को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा टैक्स बचा पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब सरकार ने प्रोविजन को कब कैसे चेंज करा, आज के टाइम पे प्रोविजन क्या है, कैसे वो आज के टाइम पे जैसा भी बनाया गया है वो रोक रहे हैं सारे लोगों को टैक्स प्लानिंग करने से, सारी चीज़ें सीखेंगे। डिस्कशन को चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए आज के टाइम पे यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके टैक्स के बारे में आपको बताया क्या गया है, इसको टैक्स करा कैसे जाता है। तो अगर आप बात करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, इसके बाद जो भी पॉलिसीज ली गई हैं उनके टैक्सेशन के लिए ये चीज़ आपको बताई गई है। इसकी टैक्सेशन जो है बहुत टाइम से चेंज होती आ रही है, आज के टाइम पे जो पोजीशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप इस डेट के बाद 1 अप्रैल 2021 के बाद कोई भी ऐसी पॉलिसी लेते हैं तो आपको क्या बताया जाता है टैक्सेशन के बारे में, सुनिए। आपसे पूछा जाता है कि जो भी एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड है, यानी कि जो भी मिनिमम पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आपकी डेथ हो जाती है, तो जो भी इंसान इंश्योर्ड है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो मिनिमम कितना पैसा मिलेगा, पॉलिसी लेने के टाइम पे आपको बता दिया जाता है। लेटेस्ट से आप कहते हैं कि इस पॉलिसी में अगर जो भी इंश्योर्ड इंसान है उनकी डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनीज निकल के आते हैं पॉलिसी के उनको 20 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सरकार कहती है ठीक है, अब हमें यही बताइए कि ये वाली पॉलिसी लेने के लिए आपको एनुअली प्रीमियम कितना पे करना पड़ता है। यही पॉलिसी लेने के लिए लेटेस्ट इंसान कहता है मुझे एनुअली पे करना पड़ता है 1 लाख रुपए का प्रीमियम, 1 लाख। तो सरकार कहेगी ठीक है, इनको कंपेयर करिए। किससे कंपेयर करिए? कंपेयर करिए एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड से, जो कि अभी अभी आपने हमें बताया है 20 लाख रुपए का है। बताइए 20 लाख का कितना परसेंटेज निकल के आता है ये प्रीमियम जो कि आपको एनुअली यही पॉलिसी लेने के लिए पे करना पड़ रहा है। तो इजी सी चीज़ है, 20 लाख में से 1 लाख रुपए कितने निकल के आते हैं? 5% की फिगर निकल के आती है। सरकार कहती है बहुत बढ़िया, आपने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। क्या फायदा है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, प्रीमियम होना चाहिए अप टू 10% और 15% ऑफ ACSA एक्चुअल कैपिटल सम शॉर्ट। और हमने क्या कर दिया है, उसके विदिन लेके आ गए हैं। ये 10% 15% का कॉन्सेप्ट क्या है आगे जाके आपको समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट एक और कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है, एग्रीगेट प्रीमियम जो भी आपने पे करा है, ऐसी जितनी भी आपके पास पॉलिसीज हैं उनको सबको मिला के आपने एक साल के अंदर जितना भी प्रीमियम पे करा है वो अप टू 2.5 लाख रुपीज होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों ही कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी हैं तो फिर फायदा क्या होगा? फायदा ये होने वाला है कि कल को जब भी ये वाली पॉलिसीज मेच्योर करेंगी डेथ पे या फिर कोई भी टाइम लिमिट अचीव होने की वजह से, तो पॉलिसी मैच्योर होने पे जितना भी आपको पैसा मिलेगा इंक्लूडिंग द बोनस, पूरा का पूरा पैसा आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उस पर आपको 1 रुपए का इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, वो आपको फायदा हो जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 1010D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और दिक्कत क्या हो सकती है, मान लीजिए दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करने से आप रह जाते हैं, चूक जाते हैं, तो उस केस में पूरा का पूरा अमाउंट जो भी आपको मिलता है मेच्योरिटी पे वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 50 लाख रुपए मुझे मिलते हैं और यही पॉलिसी कंटिन्यू करने के लिए मुझे लेटर से 7 लाख रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ा था अलग अलग सालों में मिला के, तो मेरे हाथ में 43 लाख रुपीज़ मेरी इनकम की तरह टैक्सेबल हो जाएंगे एट द रेट जो भी मेरे ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी दिक्कत हो रही है और यहाँ पे कितना बड़ा फायदा हो रहा है। अब ये जो प्रोविजन बनाए गए हैं आपको फायदा देने के लिए, ये बनाने के पीछे, ऐसे बनाने के पीछे कोई लॉजिक है या फिर ऐसे ही कुछ भी बना दिया गया? लॉजिक बिल्कुल है, एक एक लाइन के पीछे लॉजिक होता है, बस समझने की इंटेंशन चाहिए होती है और कोई ना कोई समझाने वाला चाहिए होता है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि इन दोनों ही पॉइंट्स के पीछे लॉजिक क्या है, लेकिन वो समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा यूलिप चलती कैसे है, इसको यूलिप भी बोला जाता है शॉर्ट में। तो समझिए यूलिप चलती कैसे। देखिए अगर आपने जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है ये जेन्युइन है तो वो ऐसे ही चलने वाली है। कैसे चलने वाली है? आपसे इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पर कुछ ना कुछ पैसा लिया जाएगा एनुअल बेसिस पे, लेटेस्ट से 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं। और ये 20,000 रुपये को यूटिलाइज कंपनी कैसे करने वाली है, इंश्योरर कैसे यूज़ करने वाला है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए
20,000 रुपये में से कुछ ना कुछ कंपोनेंट होने वाला है, कुछ ना कुछ पोर्शन होने वाला है जो कि मार्केट में इन्वेस्ट करा जाएगा, या तो इक्विटी में या फिर डेट में या फिर यूनिट्स में, जहां पे भी आप चाहते हैं वहां पे इन्वेस्ट करा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि 20,000 रुपये में से 15,000 रुपये जो भी हम इन्वेस्ट करने वाले हैं कहाँ पे इन्वेस्ट करें, आप बता देंगे वहां पे मार्केट में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। लेटेस्ट से पॉलिसी आपने ली थी 25 की एज पे, पॉलिसी चलती गई चलती गई चलती गई, किसी भी इंसान ने जिसने पॉलिसी ली थी 40 की एज पे लेटेस्ट से उनकी डेथ हो जाती है, तो हर साल उन्होंने क्या करा होगा, 20,000 रुपये का प्रीमियम पे करा होगा, जिस 20,000 में से ये 15,000 रुपये लेटेस्ट से आगे जाके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में डाले जा रहे थे। तो 15,000 रुपये ऐसे कर करके बार बार एक्यूमुलेट हो रहे थे। यहाँ पे 40 साल की एज पे जैसे ही इंसान की डेथ होती है तो इनके जो भी डिपेंडेंट्स होते हैं, जो भी पॉलिसी के नॉमिनीज हैं, पहले तो इनको ये 15,000 एक्यूमुलेट होकर जो भी अमाउंट बनता है वो पकड़ा दिया जाएगा, और उसके साथ साथ इसी पे रिटर्न्स भी मिली होंगी, इनकम भी मिली होगी क्योंकि पैसे को मार्केट में लगाया गया था, वो इनकम भी उनको पकड़ा दी जाएगी। तो पहला सपोर्ट उस इंसान के लिए जिनको आपने नॉमिनी की तरह दिखाया था पॉलिसी के अंदर, उनके लिए ये हो गया कि उनके इसी इंसान ने जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, उन्होंने सेविंग्स कंपोनेंट की तरह जितना जितना पैसा मार्केट में लगाया था वो एक बार में उनको मिल जाएगा। ये पहला सपोर्ट। दूसरा एक और सपोर्ट होता है जिसको बोला जाता है कैपिटल सम एश्योर्ड। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, वो कहती है आपने प्रीमियम पे कर दिया ना, आपकी पॉलिसी एक्टिवेट हो चुकी है। अब ये नहीं है कि आपने प्रीमियम इतना पे करा है तो मैक्सिमम अभी आपको इतना ही पैसा मिल सकता है। अगर इंसान की जिसने भी पॉलिसी ली थी लेटेस्ट से 25 ईयर्स की एज में ली थी और 26 की एज में ही डेथ हो जाती है किसी भी चीज़ के चलते, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, तो यहाँ पे जो भी लोग पॉलिसी के अंदर कवर्ड थे नॉमिनी की तरह, क्या उनको 20,000 रुपये मिलेंगे? नहीं, उनको मिलने वाले हैं 5,00,000 रुपये। क्यों? इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एक पूल बनाती है रिस्क प्रीमियम का। जितने लोगों ने भी पैसा दिया था पूरे के पूरे को मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करा जाता, उस पैसे के कुछ ना कुछ पोर्शन को रिस्क प्रीमियम की तरह अपने पास रखा जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर 5,000 रुपये। तो होगा क्या, लेटेस्ट से यही पॉलिसी लेने वाले करोड़ लोग निकल के आ रहे थे, सबने 5,000 रुपये दे दिए हैं, तो कंपनी ने कैलकुलेशन कर रखी है करोड़ लोगों से अगर हमें 5,000 मिल जाते हैं तो हमारे पास 5,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे हर साल के अंदर रिस्क प्रीमियम के नाम पे। ये हम अपने पास रखने वाले हैं, अपनी इनकम की तरह रखने वाले हैं, इसको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करा जाएगा, डायरेक्टली किसी भी इंश्योर्ड पार्टी को कभी भी नहीं दिया जाएगा। ये कब दिया जाएगा इसमें से पैसा किसी भी इंसान को 5,000 करोड़ में से? तब देने वाले हैं जब किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या कर रखा होगा, इसने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर रखा होगा कि हमें 1 करोड़ लोगों से 5,000 रुपये मिलने वाले हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 5,000 करोड़। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इन 1 करोड़ लोगों में से कितने लोगों की पॉसिबिलिटी निकल के आ जाती है कि इनकी इसी साल के अंदर डेथ हो सकती है। और ये आपको डेथ रेट के बेसिस पे, मल्टीपल फैक्टर्स के बेसिस पे, जो भी इंडिया में एप्लीकेबल हैं उससे आप थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं, साइंटिफिक एनालिसिस कर सकते हैं। ये एनालिसिस करने के बाद कंपनी को पता चलता है कि इन 1 करोड़ लोगों में से हो सकता है 50,000 की इसी साल के अंदर डेथ हो जाए, और 50,000 लोगों को अगर हम 5,00,000 रुपए की पेमेंट कर भी देते हैं तो उस केस में क्या होने वाला है, कितने का आउटफ्लो होने वाला है, 2,500 करोड़ का होने वाला है मोटे मोटे तौर पे। तो यहाँ पे 2,500 करोड़ का आउटफ्लो होगा, 5,000 करोड़ की हमारी इनकम निकल के आ गई थी, हमारे एस्टिमेट्स थोड़े बहुत वेरी कर भी गए, अगर 50,000 की जगह 80,000 लोगों की डेथ हो गई तो भी हमारे पास पैसे होने वाले हैं पेमेंट करने के लिए, और जो भी पैसा बच जाएगा वो इन्हीं पॉलिसी होल्डर्स में बोनस की तरह बांट देंगे। तो ये करा जाता है रिस्क प्रीमियम के साथ, यानी कि कंपनी कहती है हमारा रिस्क है कि आपके 5,000 रुपये के अगेंस्ट आपको हमें 5,00,000 रुपये देने पड़ सकते हैं, और यही रिस्क के लिए हम हर साल आपसे 5,000 रुपये का प्रीमियम लेते रहेंगे, और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में आपको 5,00,000 रुपये एक बार में दे दिए जाएंगे। ये होता है रिस्क प्रीमियम का काम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम के जो 2 कंपोनेंट्स निकल के आते हैं, दोनों के पीछे लॉजिक समझ आ गया, ये आपका ही पैसा है जो कि मार्केट में इन्वेस्ट करा जाएगा, आपको पूरा का पूरा लौटा दिया जाएगा। ये आपका पैसा है जो कि मार्केट में कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करा जा रहा, कंपनी अपने पास रख रही है, रिस्क प्रीमियम के नाम पे रख रही है। अगर डेथ हो जाती है तो पैसा दे दिया जाएगा, नहीं तो साल जैसे ही गया आपका ये वाला पैसा भी गया, रात गई बात गई, वो वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी पॉलिसी है ना, ये प्रॉपर जेन्युइन लाइफ इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि सरकार चाहती है कि आपके पास होना चाहिए। सरकार चाहती है ऐसी पॉलिसीज आप लीजिए ताकि अगर कल को आपको कुछ हो जाता है और आप सोल ब्रेड अर्नर हैं फैमिली के लिए, तो आपके जाने के बाद फैमिली आपकी बिल्कुल ही ऐसे नहीं हो जाए कि उनके पास कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा है, वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए कि सरकार ही उनके खाने पीने के बारे में सोचे, उनकी हेल्थ के बारे में सोचे वगैरह वगैरह। सरकार नहीं कर पाएगी सबके बारे में, तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो सरकार चाहती है आप इंडिपेंडेंट हो, आपकी फैमिली के लोग इंडिपेंडेंट हो, जिसके लिए आपको पॉलिसीज लेनी चाहिए। सरकार आपको इंसेंटिवाइज करिए, आप पॉलिसीज लीजिए, कल को मैच्योरिटी के टाइम पे आपको जितना भी पैसा मिलेगा, चाहे इसकी वजह से मिले चाहे इसकी वजह से मिले, जितना भी पैसा मिलेगा पूरा का पूरा आपके हाथ में एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 1010D। जैसे ही ये प्रोविजन दिया जाता है, काफ़ी लोगों के दिमाग में क्या आने लग जाएगी, टैक्स प्लानिंग आने लग जाएगी। ये वाली प्लानिंग कर रहे थे फैमिली के लिए, करिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा पैसा एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, इनकम टैक्स के नाम पे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। आपको बेसिकली इंसेंटिव दिया जा रहा है ताकि आप अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ऐसी वाली पॉलिसीज लें। लेकिन अगर आप उल्टे जाने लग जाते हैं, टैक्स प्लानिंग करने लग जाते हैं इसको यूज़ करके, तो सरकार को दिक्कत हो जाती है।
अब समझिए लोग टैक्स प्लानिंग कर कैसे रहे थे। लोगों को पता है कि अगर 2021 की बात करी जाए, आप मार्केट में पैसा लगाते हैं किसी भी तरीके से, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, और उनमें आपको कोई भी इनकम मिल जाती है, तो जितनी भी इनकम आपके हाथ में आएगी वो किसी ना किसी रेट पर टैक्स होगी ही होगी। ये चीज़ आपको आज के टाइम पे पता है, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो, टैक्स तो होने वाले हैं। अब आप उनको टैक्स से बचाने के लिए करते क्या हैं? आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचते हैं और उनको बोलते हैं, मुझे ये वाली पॉलिसी नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रीमियम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो हल्की सी डिफरेंट चाहिए। कैसी? देखिए, मैं अभी भी तुम्हें 20,000 रुपये देने वाला हूँ, लेकिन तुम मेरे 20,000 में 5,000 रुपये को यहाँ पे लगाओगे, 15,000 को यहाँ पे लगाओगे, वो नहीं होना चाहिए। 19,000 रुपये को मार्केट में इन्वेस्ट करो। कहाँ पे डालो? म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदने में डाल दो, और रिस्क प्रीमियम जितना भी तुम्हारा निकल के आता है वो 1,000 रुपये का रखना। तुम 5,000 रुपये के अगेंस्ट मुझे 5,00,000 रुपये प्रॉमिस कर रहे थे, 1,000 रुपये के अगेंस्ट 1,00,000 रुपये प्रॉमिस कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये जो भी पॉलिसी मैं ले रहा हूँ, ये पॉलिसी लेने के पीछे मेरा इंश्योरेंस करवाने का बिल्कुल भी कहीं पे भी आइडिया नहीं है। मेरा आइडिया है कि मुझे पैसा मार्केट के अंदर पहुंचाना है, और जितना भी पैसा मैंने यहाँ पे पहुंचाया है इस पे कल को जितने भी गेंस निकल के आएंगे वो मेरे हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएं। तो ये मेरे लिए क्या है? क्या ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है? नहीं। क्या मैं फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है कि अगर मैंने ये वाली पॉलिसी ले ली, पूरे के पूरे 20,000 रुपये मार्केट में डालता, कल को जितने भी गेंस निकल के आते, लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के पूरे मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाते, काफ़ी टैक्स पे करना पड़ता। यहाँ पे मैंने छोटी सी चीज़ क्या करी है? मैंने सरकार को दिखा दिया कि मैंने तो भाई साहब इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जितना भी पैसा मेरा मार्केट में जा रहा है कल को गेंस प्रोड्यूस करके देगा, मेरे हाथ में आएगा मैच्योरिटी के टाइम पे, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 1010D। सरकार ने कहा ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या बोल दिया? उन्होंने कह दिया आज के टाइम पे तुम्हें यह हमें दिखाना पड़ेगा कि जो भी एक्चुअल कैपिटल समय शॉर्ट है, तुम प्रीमियम जो पे कर रहे हो उसके 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में जितना भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसमें रिस्क प्रीमियम का कंपोनेंट कम होगा, तो ये भी कम होने वाला है। जो भी आपको कैपिटल सम एश्योर दिया जा रहा है, एश्योर करा जा रहा है कि इतना पैसा तो आपको दिया ही जाएगा, चाहे कभी भी डेथ हो, पहले साल में हो, 50वें साल में हो, कभी भी हो, ये कम होने वाला है। और ये कम होगा तो सरकार कह रही है इसको और इसको कंपेयर करके बताओ और हमें ये बताओ कि ये प्रीमियम कितना परसेंटेज निकल के आता है इसका। अगर 10% से भी ज़्यादा निकल के आता है तो हमें पता चल जाएगा तुम्हारा मेजर पैसा यहाँ पे जा रहा है, नहीं तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए थी और इसकी एज अ परसेंटेज ऑफ दिस वैल्यू कम आनी चाहिए थी। तो क्योंकि यहाँ पे आपका 10% से ज़्यादा निकल के आ रहा है, सरकार कहेगी आपको जितना भी मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, सेक्शन नंबर 1010D का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लॉजिक समझ आ रहा है कि सरकार क्यों कह रही है कि यहाँ पे आपका प्रीमियम 10% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए? इसलिए कह रही है ताकि आप मिनिमम यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा तो इन्वेस्ट करवाएं, और जिसको आप इंश्योरेंस पॉलिसी बोल रहे हैं वो एक्चुअली इंश्योरेंस पॉलिसी हो, वो कोई डिसगाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होना चाहिए। तो 20,000 रुपये आपने लगाए हैं, यहाँ पे भी पैसा डालिएगा, यहाँ पे नहीं डालेंगे तो ये ज़्यादा नहीं निकल के आएगा, और ये ज़्यादा नहीं निकल के आएगा तो ये जो हमने एनालिसिस कर रखा है इन दोनों के बीच में कि आपका प्रीमियम मैक्सिमम होना चाहिए 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम शॉर्ट, उसको आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मेच्योरिटी के टाइम पे जितना भी पैसा मिलता है आपको, चाहे इस कॉम्पोनेंट पे चाहे इस कॉम्पोनेंट पे, पूरा का पूरा आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये थी 10% तक रखिएगा प्रीमियम को, वो मान लीजिए आपने सेटिस्फाई कर दी है इस वाले केस के अंदर, अब वापस यहीं पे आ गए हैं, उस वाली पॉलिसी को आपने इग्नोर कर दिया, आपने कहा यहीं पे रहो। क्यों? 5,00,000 का 10% निकल के आता है 50,000 रुपये, और क्योंकि उसके विदिन है तो ये वाली पॉलिसी मेरी एलिजिबल हो जाएगी सेक्शन नंबर 1010D की एग्जेम्पशन के लिए। तो मैं वापस यहीं पे आ चुका हूँ, मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ? मैं रिस्क प्रीमियम को इतना रिड्यूस कर दूंगा कि रिड्यूस करने के बाद भी क्या हो जाए, यहाँ पे ये वाली पॉलिसी मेरी एलिजिबल रहे सेक्शन नंबर 1010D के लिए। यानी कि रिड्यूस कर करके मैं कितना लेके जा सकता हूँ प्रीमियम को? 2,000 रुपये तक लेके जा सकता हूँ, क्योंकि अगर ये 2,000 रुपये होगा तो मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे 2,00,000 रुपये की गारंटी दी जाएगी, और 2,00,000 रुपये का ही 10% ही निकल के आ रहा है 20,000 रुपीज़। तो अभी भी मेरी स्कीम एलिजिबल रहने वाली है। मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा कि 20,000 में बाइफर्केशन क्या करना, 2,000 रुपये यहाँ पे लगाना, 18,000 रुपये मार्केट के अंदर लगाना, 2,000 के बेसिस पे 2,00,000 रुपये की तुम गारंटी मुझे दे दोगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मेरा प्रीमियम मैक्सिमम कितना निकल के आएगा, 10% तक का निकल के आएगा, और 18,000 रुपये मेरे मार्केट में इन्वेस्ट करे जाएंगे जो कि कल को रिटर्न्स के साथ जब भी मुझे मिलेंगे पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अब ये वाली स्कीम मैंने लेनी चालू कर दी है, लेकिन अगेन क्योंकि मैं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड्स कमा रहा हूँ, मैंने ये वाली स्कीम बहुत ज़्यादा ले ली है। मैंने इतनी ले ली है कि कल को किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट्स को लेटर से 500 करोड़ मिलने वाले हैं, 5,000 करोड़ मिलने वाले हैं, इतना बड़ा अमाउंट मिलने वाला है। क्यों? मुझे यहाँ पे अभी भी दिख रहा है कि 90% ऑफ वॉट एवर अमाउंट आई एम इन्वेस्टिंग वो अभी भी मैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या अगेन टैक्स प्लानिंग टूल दिमाग में आ सकता है? बिल्कुल। कभी भी क्या सेंस बनेगी कि आप म्यूचुअल फंड के यूनिट सीधा खरीदें? नहीं, यहाँ से इन्वेस्ट करिए, इंश्योरेंस पॉलिसी से इन्वेस्ट करिए, जितना भी पैसा आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगाना है, टैक्स के नाम पे आपकी ज़्यादा ही सेविंग्स हो जाएगी एज कम्पेयर टू दी अमाउंट जो भी आपको रिस्क प्रीमियम के नाम पे करना पड़ रहा है, और रिस्क प्रीमियम जितना भी पे कर रहे हैं उसे कवरेज भी मिल रही है कुछ ना कुछ।
तो यहाँ पे ये इंसान क्या करने लग जाएगा, बल्क में खरीदने लग जाएगा ऐसी वाली पॉलिसीज को। 20,000 रुपये का प्रीमियम नहीं पे करेगा, 2,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर देगा, जितनी भी उसकी पेइंग कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट कर देगा। और सरकार को क्या करना पड़ेगा, जब भी ये वाला पैसा निकल के आता है ये वाले कॉम्पोनेंट का और ये वाले कॉम्पोनेंट का, पूरे पैसे को एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इतने ज़्यादा पैसे होते हैं, हम इनको कवर नहीं करना चाह रहे थे। इनके जो भी डिपेंडेंट लोग होते हैं उनके पास वैसे ही अच्छी खासी वेल्थ है जो कि इनकी ज़िंदगी को संभाल सकती है। ये इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं भी लेंगे तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सरकार को कभी भी इनको सपोर्ट करने के लिए सामने नहीं आना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं, इंडिया की जो भी मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास की पॉपुलेशन है ये लोग कवर्ड होने चाहिए। इनके पास जनरली काफ़ी केसेस में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं, जो कि अगर किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है जो कि पैसा कमा रहा था, उनके जाने के बाद फैमिली बस इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे सर्वाइव कर जाए। तो हम चाहते हैं इनके पास पॉलिसीज होनी चाहिए, जिसके लिए हम कर क्या रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम जितना भी आप पे कर रहे हैं एक साल में मिला के, जितनी भी पॉलिसीज आपके पास हैं उनका सबका इंश्योरेंस प्रीमियम एग्रीगेट करके आपका 2,50,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का निकल के आ जाता है तो हम क्या करेंगे, जितनी भी पॉलिसीज आपने ली होंगी इंक्लूडिंग द पॉलिसीज जो भी 2.5 लाख तक की निकल के आ रही थी, सारी पॉलिसीज में जब भी मेच्योरिटी के टाइम पे आपको पैसा मिलेगा पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों, आपके पास अच्छा खासा पैसा है। अगर आप यहाँ पे 50 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख रुपये लगा पा रहे थे प्रीमियम के नाम पे, तो आपको मेच्योरिटी पे हंड्रेड्स ऑफ करोड़ या फिर करोड़ के अंदर कोई ना कोई फिगर तो मिलेगी। जो इंसान 5 लाख रुपये का प्रीमियम पे कर पा रहा है उसको करोड़ के अंदर फिगर मिलने ही वाली है, वो चीज़ आपको पता है पॉलिसी के हिसाब से। तो आपको इतना पैसा मिल रहा है, टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2.5 लाख रुपये तक का मैक्सिमम प्रीमियम पे करते हैं किसी भी साल के अंदर, तो मेच्योरिटी पे जितना भी पैसा मिलेगा उस पर आपको 1 भी रुपये का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो आज के टाइम पे अगर आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, किसी भी ऐसी क्लास को बिलोंग करते हैं जहाँ पे 2.5 लाख रुपये पे जो भी आपको रिटर्न्स मिल सकती हैं उस पर टैक्स बचाना आपके लिए सिग्निफिकेंट चीज़ है, तो इस टूल को यूज़ करिए और 2.5 लाख रुपये हर साल मिनिमम इन्वेस्ट करिएगा यूलिप के अंदर। होगा क्या, जितना भी आपको पैसा मिलने वाला है कल को मेच्योरिटी के टाइम पे पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और जो भी लोग ज़्यादा कमा रहे थे हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में, वो क्यों इस वाली स्कीम को आज के टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते, उस एक्सटेंट तक यूज़ नहीं कर सकते जितना वो पहले कर पा रहे थे, वो चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। सो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स जो भी सेक्शन नंबर 10-10D के अंदर डाले गए हैं। अभी लास्ट चीज़ देख लीजिए, कुछ केसेस में आपको 10% की जगह 15% तक का प्रीमियम होने की रियायत दी जाती है, इतनी रिलैक्सेशन दी जाती है कि आपका एक्चुअल कैपिटल सम इंश्योर्ड जो भी होगा उसके 15% तक का प्रीमियम पे करेंगे तो भी आपको हम कोई दिक्कत नहीं देने वाले, हम आपको सेक्शन नंबर 10-10D के अंदर वाला फायदा दे देंगे। ये 15% की रिलैक्सेशन कब दी जाती है, ये वाला फायदा कब दिया जाता है, ये फायदा आपको तब दिया जाता है जब आपको कोई भी ऐसी डिसेबिलिटी हो जो कि हमने डिस्कस करी थी सेक्शन नंबर 80U के अंदर या फिर 80DD B के अंदर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बस उस केस में आपको 10% की जगह 15% पढ़ना होता है, बाकी कंडीशंस आपके लिए भी सेम है। तो ये था हमारा आज का सेशन, अगले सेशन में कुछ नया सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।